अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी लेकिन बहुत कीमती वीडियो जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ। जब आप जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS Word आप ओपन कर देते हैं, तो MS Word में जो है ना आप लोग टाइप करें मोहम्मद MUHAMMAD, फिर आप लोग स्पेस प्रेस करें। जब स्पेस प्रेस करते हैं उसके बाद जो ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन मैं आपको जो ना कुछ ऐसे कीज़ या शॉर्ट कीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ना उर्दू में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब वो आपको ब्रैकेट में SAW या पीस भी अपॉन हिम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उर्दू में जो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना आ जाएगा। तो इसके लिए हमें कीबोर्ड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। कीबोर्ड पे हम जैसे ही आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले F प्रेस करना है, F के बाद जो ना आपने D प्रेस करना है, फिर आपने F प्रेस करना है, फिर आपने A प्रेस करना है, और उसके बाद Alt X। तो Alt X जैसे ही प्रेस करते हैं आप लोग देख सकते हैं कि मोहम्मद हज़रत मोहम्मद वसल्लम के साथ जो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना उर्दू में आ चुका है, ठीक है। तो जब भी आप जो ना हजरत वसल्लम का नाम यहाँ पे लिखेंगे या हज़रत मोहम्मद वसल्लम लिखेंगे, तो आपको जो ना इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पीस बी अपॉन हिम या SAW। तो यहाँ पे आपको मैंने शॉर्टकट की बता दिया, तो ये शॉर्टकट की है, तो इसमें जो ना उर्दू में जो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना वो ख़ुद आ जाएगा। तो इस वीडियो को जो ना सवाब की नीयत से हर जगह शेयर कर दें, हर जगह पर शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो का सवाब हद से ज़्यादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।